अच्छा एग्जाम पे कैपलान FA1। अच्छा इसमें चार टॉपिक के एमसीक्यूज उसने मिक्स कर दिए हैं, कंट्रोल अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन, इनिशियल ट्रायल बैलेंस में एरर और वो सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा मैंने क्या किया, अब इन्हीं क्वेश्चंस को किट में से अलग करके एक सेपरेट हैंडआउट बना लिया। हाँ तो ये बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से सेपरेट करके अपना एक हैंडआउट अलग कर दिया, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। इसमें सब क्वेश्चंस बैंक रिकंसिलिएशन के ही मिलेंगे। तो ये ठीक हाँ ये मैं आपको भेज दूँ। ठीक, तो ये एग्जाम किट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 215, इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नीचे दिए हमें, आफ्टर चेकिंग बिजनेस कैश बुक अगेंस्ट बैंक स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कुड रिक्वायर एंट्री कैश बुक। कैश बुक में क्या आएगा, बैंक चार्जेस, चेक फ्रॉम कस्टमर डिसऑनर्ड, चेक्स नॉट प्रेजेंटेड, नो दिस वॉज इट नॉट क्रेडिटेड, नो क्रेडिट ट्रांसफर आएगा, स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो 219। एडजस्ट द कैश बुक फॉर व्हेन प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक में, कैश बुक की बात हो रही है, एडजस्ट द कैश बुक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 3 एंड 4। 266। अनक्रेडिटेड अच्छा अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को दूसरा नाम, अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स या अनक्लियर चेक्स, एक ही बात है। अच्छा ये एरर तो नहीं होता ना, क्या टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस में आता है, पहले कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में, बाद में बैंक में, तो सी या डी में से। डी होगा डी आंसर होगा, बैंक स्टेटमेंट बीइंग आउट ऑफ डेट कंपेयर्ड विद द कैश बुक। ऑप्शन डी 277। अच्छा ये लार्ज रिटेल ग्रुप, लार्ज रिटेल ग्रुप है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेली बेसिस पर। जी एक लार्ज रिटेल ग्रुप है, एक सोल ट्रेडर नहीं, एक दुकान नहीं है छोटी सी कोई, लार्ज रिटेल ग्रुप, तो उसके अकाउंट भी एक से ज्यादा बैंक्स में होते हैं। ठीक है, तो उसमें हाँ, तो इसके लिए बाकायदा तौर पे एक बंदा रखा जाता है कि एम्प्लॉय रखा जाता है जो पूरा दिन बैठ के ये काम कर, नहीं उसका ये काम होता है सर। तो लार्ज रिटेल ग्रुप है, तो उसमें डेली बेसिस पर रिकंसिलेशन होती है ताकि आपका बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट पे ना जाए, क्योंकि ओवरड्रॉ करेंगे तो उसपे आपको फिर चार्जेस देना पड़ता है। 228, 228 नॉट अफेक्ट बैंक रिकंसिलेशन, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है इसमें नहीं आता। ऑप्शन बी, डिस्काउंट रिसीव ना कैश बुक में आएगा ना बैंक रिकंसिलेशन इसमें आता है ना, ये पूरे टॉपिक कहीं नहीं आता। ऑप्शन बी, तो 229। अच्छा इट अपीयर्स इन द बैंक स्टेटमेंट द सेम डे एज इट अपीयर्स इन द कैश बुक, व्हाई वुड दिस अकर, सेम डे पे अपीयर होता है, जिस दिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया उसी दिन बैंक में भी रिकॉर्ड हो गया बैंक स्टेटमेंट, कौन सा चेक होगा, कब ऐसा होगा। क्लियरिंग क्लियरिंग में 3 दिन लगते हैं, सेम डे, ऑप्शन ऑप्शन बी होगा ना, इट हैज बीन यूज्ड टू विड्रॉ कैश। आपने कैश विड्रॉ करना है, चेक ड्रॉ किया, चेक लेके बैंक गए, कैश करवा के लिए आए, तो दोनों जगह पे सेम डे पे रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो बी आंसर होगा, क्योंकि ए में पोस्ट कर रहे हैं, टाइम लगेगा पहुंचने में, सी में बैक क्लियरिंग में 3 दिन लगते हैं, और डी कह रहा फॉरेन कंट्रीज में तो कई हफ्ते लग जाएगा। कैश चेक होता है जो आज आपने ड्रॉ किया, बैंक गए कैश करवा दिया, बैंक भी आज ही रिकॉर्ड कर ले, जिसको पेमेंट करते हैं उसे पे कहते हैं। हाँ, रिसीवर ऑफ चेक कह लें। उसके बाद 217, इसमें कैलकुलेशन है, यहां से देख के कर ले, उसको बाद में ढूंढते रहिए। हाँ, ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा, फिर से बात है। नंबर आगे पीछे होंगे, नंबर चेंज होंगे, एडिशन का फर्क है, किट में नंबर चेंज होंगे। अच्छा, द बैलेंस ऑन कैश अकाउंट फॉर बिजनेस एट द एंड ऑफ जून वाज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 89.93। अच्छा, एट दैट डेट देयर वर आल्सो अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। इसके बाद इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून बैंक चार्ज बिजनेस इंटरेस्ट ऑन इट्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस ऑन कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ जून? करेक्ट बैलेंस बताना है। अच्छा, करेक्ट बैलेंस जो है वो दोनों दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है ना, या तो कैश बुक बनाए या बीआरएस बनाए। अब इसमें क्या बनेगा, कैश बुक बनेगी, कैश बैलेंस किसका दिया, अकाउंट देखिए लिखा है बैलेंस ऑन कैश अकाउंट, ठीक है, तो इसमें बैंक अकाउंट बन जाएगा, ठीक कैश या बैंक अकाउंट ना। इसमें हम बनाएंगे टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट से सॉल्व होगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ। टू वन सेवन अच्छा बैलेंस कितना दिया हुआ है, 89.93 ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट पे आ जाएगा 89.93। अच्छा, इसके बाद है अनप्रेजेंटेड चेक, आएंगे कैश नहीं बुक में नहीं आते हैं। नहीं अच्छा, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या अनक्लियर चेक, ठीक, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अनक्लियर चेक्स ये भी नहीं आते हैं। इसके बाद ये चार्जेस हैं, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस हैं, ये आएंगे और ये क्रेडिट आएंगे क्रेडिट साइड में 4-5। चार्जेस क्रेडिट हो गए, ठीक है, बस टोटल कर लेते हैं 106.38, तो ये इसका हो जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। बैलेंस कहाँ आ रहा है, बीडी का क्रेडिट पर, तो ये बैंक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन बी 106.38, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कॉपी कर लें, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है ना, अनक्लियर डिपॉजिट कराया, अनक्लियर। ओके जी, 218, 218। अच्छा, द फॉलोइंग अटेम्प्ट एट अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय बैंक, ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट, एड डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, लेस आउटस्टैंडिंग चेक्स, ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक। अच्छा, कंप्लीट बैंक रिकंसिलिएशन बना हुआ है, बताना कि अस्यूमिंग द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑफ 38,600 इज करेक्ट, व्हाट शुड द कैश बुक बैलेंस बी, देखिए जो आखिर में कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है ये क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो इसने बनाया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो यही आंसर होगा 76,500, और अगर कोई मिस्टेक है तो आंसर चेंज हो जाएगा। चेक करें इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, इसमें सही नहीं है, क्या मिस्टेक है। हाँ, देखिए स्टार्टिंग में लिखा है ओवरड्राफ्ट पर बैंक स्टेटमेंट 38,600, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, इसने पॉजिटिव में लिखा हुआ है। ओवरड्राफ्ट
पर बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव बैलेंस होता है, तो इसके साथ यहाँ माइनस साइन लगेगा, -38,600। ठीक है, बाकी जो ऐड हो रहा है 41,200 ऐड ही करेंगे और 3,300 लेस करेंगे, तो आंसर आएगा इसका -700। -700 आ जाएगा। इसमें आप देखिए -38,000 ये नेगेटिव मिलेंगे, -38,600, और इसमें ये ऐड करेंगे 41,200 और फिर लेस करेंगे 3,300, आंसर आएगा -700। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 218 ऑप्शन सी, ओवरड्रॉ ओवरड्राफ्ट एक ही बात है। ओके, 220 अच्छा, बैंक स्टेटमेंट शोज बैलेंस आ बैलेंस एट द बैंक ऑफ 1360 व्हाइल द कैश बुक बैलेंस ऑन द सेम डेट इज 1250। ओके, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1360, कैश बुक का बैलेंस है 1250, डिफरेंस कितना आ रहा है 110 का। हाउ कुड दिस डिस्क्रिपेंसी बी एक्सप्लेन, रीजन बतानी है। चार तीन ऑप्शन है, चार में से बताएं। ओके, 220 अब इसमें देखें, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1360 और बैंक कैश बुक का बैलेंस है 1250, तो दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं 110 का, रीजन बतानी है। अच्छा, वन बाय वन चारों ऑप्शन की करेक्शन करते हैं। पहले ये ऑप्शन है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, अनक्लियर चेक्स को कहते हैं, तो ये ऐड होंगे। अच्छा, अभी अनक्लियर ऐड होंगे या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, तो ये 1360 ऑलरेडी ज्यादा है, ऐड होके और ज्यादा हो जाएगा, दोनों सेम, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, बैंक चार्जेस 110 नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक चार्जेस कैश बुक में क्रेडिट होंगे, माइनस हो जाएंगे तो बैलेंस और कम हो जाएंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, तो बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, बैंक इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिटेड इन द कैश बुक, ये डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए, 55 से हमने डेबिट करने के बजाय 55 से क्रेडिट कर दिया, करेक्शन क्या होगी, डबल से डेबिट करेंगे, 110 से इसको डेबिट करेंगे, तो बैलेंस आएगा 1360 1360, दोनों बैलेंस इक्वल आ गए। ठीक, आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आवाज नहीं, अच्छा बाकी ऑप्शन सी चलो ठीक है। ऑप्शन डी में क्या लिखा, डिसऑनर चेक 55 इज द बिजनेस डिड नॉट नो अंटिल इट वाज रिटर्न्ड आफ्टर द डेट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, डिसऑनर चेक है ये, कैश बुक में क्रेडिट पे आएगा, इससे बैलेंस और कम हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे ना, तो डी आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 221 11 बजे रखते हैं थोड़ा। अच्छा जी, अब बिजनेस हैज डेबिट बैलेंस इन इट्स कैश बुक 148 बट द बैंक स्टेटमेंट शोज अ डिफरेंट बैलेंस,
फॉलिंग आउट आइटम्स हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड. रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट. अच्छा अभी एक डिफरेंट क्वेश्चन है. रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट. सब ये बताएं. ये आपके सामने एक डीआरएस बना हुआ है ना, बल्कि ये क्वेश्चन दिखाता हूँ. पहले मुझे बताएं पूछ क्या रहे. ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है. ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपके सामने. इसके बाद आपको पता है वो कौन सा बैलेंस फाइंड करने को कह रहे हैं. पहले तो ही बताएं फाइंड क्या करना है हमें. पहले क्या, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट. कौन सा बैलेंस अमाउंट बताएं मुझे. हाँ 908 तो टोटल है. नहीं ये थोड़ी है, ये तो एडजस्टेड बैलेंस है. 908 तो एडजस्टेड बैलेंस है. पहले क्या, व्हाट इज द बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट. तो ये वाला है ना, बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये फाइंड करना है था. ठीक है, अब ये फाइंड करना है बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट, यानी कि -1353. अच्छा अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें एडजस्टेड बैलेंस चाहिए होगा 908. तो अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना. अच्छा अब ये 908 कहां से आएगा. हमें 908 कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस होता है. ये जो लास्ट में हमने लिखा 908, ये एडजस्टेड बैलेंस है एज पर कैश बुक. तो इसके लिए पहले हमें कैश बुक बनाना होगी. कैश बुक बनाएंगे, एडजस्टेड बैलेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद बीआरएस बनेगा, फिर रिवर्स कैलकुलेशन होगी तो आंसर. ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन. ये फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं. अच्छा कैश बुक का बैलेंस ये हुआ हमें 221. अच्छा कैश बुक बैलेंस है 148 डेबिट बैलेंस, और हमें ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है. करेक्शंस करते हैं. पॉइंट वन, द बैंक स्टेटमेंट शोज दैट देयर वर बैंक चार्जेस फॉर द पीरियड ऑफ 10 व्हिच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस हैं कैश बुक में, क्रेडिट हो जाएंगे एन से क्रेडिट कर. पॉइंट टू, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट फॉर 25 हैज आल्सो बीन मिस्टेकनली ओमिटेड फ्रॉम द कैश अकाउंट. पेमेंट है क्रेडिट हो जाएगी. ठीक. पॉइंट थ्री, टैक्स टोटलिंग 125 हैड बीन रिटेन एंड सेंड टू सप्लायर बट हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड. अनप्रेजेंटेड यहां से माइनस हो जाएंगे, -125. पॉइंट फोर, चेक फॉर 85 had been paid into the bank but was still outstanding. Uncleared हो जाएगा, add कर लेंगे. जब हम पहले कैश बुक को बैंक अकाउंट का एडजस्ट करते हैं, 148 माइनस करें 133. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक. इसको यहाँ पे पट करेंगे लास्ट में 113. अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी. रिवर्स में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं ना. अब हम लिखेंगे 113 प्लस 125 माइनस 85. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा 153. ये आ गया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. चलिए कॉपी कर लें. अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं टेस्ट में, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आए. हाँ इसी टाइप के बिल्कुल. ठीक है, 222. The bank statement shows an overdraft of 210. Uncredited lodgements are 30 and unpresented checks are 83.
A dishonored check for 28 was included in the bank statement, but not has yet been written into the cash book. What is the correct cash book balance? अच्छा अब इसमें क्या बताने करेक्ट कैश बुक बैलेंस करेक्ट बैलेंस फाइंड करना है. अब ये बताएं के मुताबिक कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है. इसके मुताबिक बताएं कौन सी वैल्यू 148 और ये कह रही है बीडी कौन सी है 113 बीडी कौन सी ये लास्ट ये 113 What is the correct cash book balance? Correct cash book balance. Okay, ये जो 113 है, 3D, ये correct balance है as per cash book या फिर ये last में हमने जो लिखा 113 ये है ना? दोनों ही same है ना? ये cash book का जो CD balance है या BRS का जो adjusted balance आता है दोनों same होते हैं. ये इनमें से कोई भी एक find करना है. अच्छा अब कौन सा ये CD find करेंगे या ये 113 ये वाला? अब ये डिपेंड करेगा आपको बैलेंस गिवन किसका है. मिस्टर बैलेंस उसने हमें दिया है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है तो हमें इसमें बीआरएस बनाना. ये वाला बैलेंस गिवन है बीआरएस बनेगा इससे हम निकालेंगे एडजस्टेड बैलेंस. ठीक है राइट. पहले हम ये देखा करें फाइन क्या करना है गिवन क्या है उसके मुताबिक फिर उसको सॉल्व करेंगे. क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट ऑफ 210 ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव में आ जाएगा 210 ओवरड्राफ्ट. ठीक अब है इसमें अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स अनक्लियर चेक्स को कहते हैं 30 अनक्लियर चेक्स या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट मैं आगे लिख भी देता हूं अनक्रेडिटेड लॉज कितने अनक्लियर 30 इसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक्स आर 83 ये माइनस हो जाएंगे. ठीक है इसका सम कर लेते हैं माइनस 263 आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक कैश बुक और ये होगा नेगेटिव है तो ओवरड्रॉन हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. कॉपी कर लें. ओके जी नेक्स्ट 223 31 दिसंबर जॉलिन्स कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ 293 द बैंक स्टेटमेंट फॉर दिसंबर 31 शो द बैलेंस ऑफ 151 अच्छा व्हाट कॉट दिस डिफरेंस बी ड्यू टू. अच्छा ये भी हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई. अब इसमें वैल्यूज नहीं है तो हम चेक नहीं कर सकते. अब सिर्फ रीड करके आपने बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स फॉर विच एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी. अच्छा अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स अनक्लियर चेक्स होते हैं अनक्लियर चेक्स को कहते हैं तो उसके एडजस्टमेंट तो बीआरएस में होती है कैश बुक में नहीं होती इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग होगा. बी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी तो बी हो सकता है क्योंकि देखिए अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स को हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड करते हैं उससे ये इंक्रीज हो जाएगा कैश बुक में नहीं आता तो यहाँ भी क्या लिखे अनक्रेडिटेड लॉजमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी ठीक लिखा है. ठीक है तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा. ठीक है अच्छा सी बैंक इंटरेस्ट रिसीव एज रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज नेसेसरी. अच्छा ऑप्शन तो सही है इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट कैश बुक में होगी. अच्छा कैश बुक में एडजस्टमेंट क्या होगी डेबिट करेंगे इसको कैश बुक में डेबिट होगा. अच्छा कैश बुक का बैलेंस ऑलरेडी ज्यादा है इसको आप डेबिट करेंगे तो ऐड होके बैलेंस और ज्यादा हो जाएगा दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे इसलिए बी सी आंसर नहीं होगा.
स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन आंसर नहीं है. डी बैंक इंटरेस्ट रिसीव रिवील्ड बाय द बैंक स्टेटमेंट फॉर विच नो एडजस्टमेंट टू द कैश बुक इज, स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. एडजस्टमेंट होती है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव की एडजस्टमेंट नेसेसरी होती है, तो डी तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. तो करेक्ट आंसर है इसका बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ठीक है, टू ट्वेंटी फाइव. अच्छा अब इसमें क्या दिया है, फर्स्ट अप्रैल बैंक स्टेटमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 950. अच्छा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 950. अच्छा इसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं. रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट वाज द कैश बुक बैलेंस एट 30th अप्रैल. कैश बुक बैलेंस बताना है. जब ये बताएं पहले मुझे रिक्वायर्ड है क्या, इसके मुताबिक बताएं रिक्वायरमेंट क्या है, फाइन क्या करना है, इसके मुताबिक बताएं कौन सा बल्कि नहीं है ना, इसके मुताबिक बताएं कौन सा बैलेंस फाइन करना है. तो ये ऊपर वाला 492 नहीं, ये 908 यही वाला, ये तो एडजस्टेड बैलेंस होता है ना. व्हाट वाज, अच्छा देखिए 30th अप्रैल अच्छा इसमें क्या 1st अप्रैल, ठीक है चलो इसमें करते हैं साथ से. क्या लिखा, 1st अप्रैल बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 950. रिकंसाइलिंग आइटम ऑन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड बैंक एरर कंप्राइजिंग बैंक चार्जेस ओवरचार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ 20. ड्यूरिंग अप्रैल चेक्स एंड डिपॉजिट्स अपीयरिंग ऑन बैंक स्टेटमेंट वर 1600 एंड 1900 रिस्पेक्टिवली. एट 30th अप्रैल ओनली रिकंसाइलिंग आइटम वर अनप्रेजेंटेड चेक्स 210. ठीक है, अब इसमें हम बनाते हैं BRS. अच्छा इसमें पहले आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया 1st अप्रैल का. अच्छा रिकंसाइल कब करते हैं, स्टार्ट पे एंड पे, एंड में, एंड में हम कैश बुक का बैलेंस करते हैं, एंड पर हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है, रिकंसाइल एंड पे करते हैं. अच्छा ये बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, पहले हमें बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस एंडिंग बैलेंस फाइंड करना होगा, उसके बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा. अभी इसका 1st अप्रैल का बैलेंस है कितना 950. ठीक है, अच्छा अभी ये रिकंसाइलिंग आइटम दिए हुए, चिंता हम कुछ नहीं करेंगे, ये कब के 1st अप्रैल के, हम रिकंसाइल कब करेंगे एंड पर, तो एंड वाले आइटम लेंगे. अच्छा इन दोनों को तो फिलहाल इग्नोर करेंगे. अब यहाँ पे आ जाए ड्यूरिंग अप्रैल पे, ड्यूरिंग अप्रैल चेक्स एंड डिपॉजिट्स अपीयरिंग ऑन बैंक स्टेटमेंट. अच्छा ये लिखा है पहले चेक्स, उसके बाद लिखा है डिपॉजिट. चेक्स कितने के 1600 के, डिपॉजिट कितने हुए 1900. ठीक, तब ये प्लस माइनस क्या होंगे इसमें से 1619. हाँ चेक का मतलब है पेमेंट्स हो रही हैं और डिपॉजिट्स डिपॉजिट करवा रहा हूँ. चेक्स हमने इश्यू किए 1600 के, तो 1600 यहाँ से माइनस होंगे, 1900 डिपॉजिट करवाएं तो ये प्लस होंगे, ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा. यहाँ मैं डेट भी लिख दूँ, अप्रैल 1 का था और ये 30th अप्रैल का बैलेंस आएगा नीचे. कितना आ रहा है, सम कर लेते हैं इसका, 1250 आ जाएगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एट 30th अप्रैल. ठीक है, अब ये बैलेंस हम यहाँ लिखेंगे 1250 और इसको रिकंसाइल कर लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा. जब यहाँ पे 30th अप्रैल पे रिकंसाइलिंग आइटम में क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो हम कर लेते हैं माइनस करते हैं, तो 1040 आ जाएगा एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक. आंसर होगा ऑप्शन डी.
हाँ उसको कैसे इंक्लूड करेंगे ना, मैंने बता दिया नहीं कब का रिकनसाइलिंग आइटम ऑन द बैंक स्टेटमेंट, 1 अप्रैल की बात कर। अभी हम रिकनसाइल क्यों करेंगे, लास्ट में तो लास्ट वाले लेंगे, ये हमने रिकन्स ठीक है ये कॉपी कर लें, तो डिफरेंट क्वेश्चन था ये। हाँ इस कैश बुक का हमें बैलेंस दिया हुआ ना बैंक अकाउंट इन इस लेजर, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फाइंड करना है, तो उसमें BRS बनेगा 216 अच्छा ये हमें फाइन करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अभी हमें बैलेंस एज पर लेजर या कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है कितना 25,000 ठीक है। तो ये बताइए इसमें दिया है शोज आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स पेड इन, ये हो गया आपके अनक्लियर, अनक्लियर चेक्स ऐड होते हैं, इसके बाद ये चेक्स टू सप्लायर, आउटस्टैंडिंग चेक्स टू सप्लायर ये हो गए अनप्रेजेंटेड चेक्स माइनस होंगे ठीक है। अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी ठीक है, बैलेंस क्या आ रहा है 24,700 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कॉपी कर लें ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट ओके जी, तो यहाँ पे ये एग्जाम केट आपकी कंप्लीट हो ठीक है, तो ये कैप्लान FA1 एग्जाम केट कंप्लीट ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 11, योर कंपनीज बैंक स्टेटमेंट एट 31 अक्टूबर शोज अ बैलेंस ऑफ 13,400, ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है। अच्छा लास्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, योर कैश बुक बैलेंस प्रायर टू करेक्टिंग द एरर्स एंड ओमिशन, कैश बुक बैलेंस बताना है बिफोर करेक्शन, तो ये बताएं इसमें पहले मुझे फाइंड क्या करना है, कैश बुक बैलेंस इसके मुताबिक। हाँ ठीक है, जैसे क्वेश्चन 10 के मुताबिक अगर हम बात करें तो फाइंड क्या करना है हमें 492, ये वाला बैलेंस फाइंड करना होगा, कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन ठीक है। तो पहले इसमें बनाएंगे BRS, करेक्शंस करेंगे, करेक्ट बैलेंस निकालेंगे, उसके बाद कैश बुक बनाएंगे और अनएडजस्टेड बैलेंस फाइंड करेंगे। पहले इसमें BRS बनेगा, इससे हमें मिल जाएगा एडजस्टेड बैलेंस। क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना दिया हुआ है 13,400 ठीक है। बिकॉज़ यू सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट बैंक हैज डिसऑनर कस्टमर चेक, इसमें नहीं आएगा, बैंक चार्जेस नहीं आएंगे, नाइदर ऑफ विच रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक, सो देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटलिंग 2,400, इसको माइनस करेंगे के बाद। अच्छा जी, अमाउंट्स पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू 1,000, ये क्या है, अनक्लियर चेक्स ऐड हो जाएंगे। यू फर्दर डिस्कवर दैट एन ऑटोमेटिक रिसिप्ट फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 195 हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट इन योर कैश, कैश बुक एरर है ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं 12,000 आ गया एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें चाहिए कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन, हम कैश बुक बनाएंगे, यहां से फॉर्मेट इसका कॉपी कर लेते हैं, कैश बुक या बैंक अकाउंट 12,000 तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया, अकाउंट बनाते हैं
अच्छा, अब इसका जो एडजस्टेड बैलेंस है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, किसी भी साइड पे आ सकता है। अच्छा, अभी एडजस्टेड जो बैलेंस है, अनएडजस्टेड, एडजस्टेड बैलेंस 12,000 आ रहा है पॉजिटिव, तो ये इसका बीडी कहाँ होगा? डेबिट पे। तो सीडी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड पे। ये तो एडजस्टेड बैलेंस आ गया, अब हमें चाहिए अनएडजस्टेड। अच्छा, तो करेक्शन इसमें क्या है? पहले डिसऑनर चेक है 300 का, ये क्रेडिट पे आ जाएगा। के बाद बैंक चार्जेस हैं 50 के, क्रेडिट होंगे जी। जिसके बाद फिर ये अनक्लियर अनप्रेजेंटेड, और छह लास्ट में यू फर्दर डिस्कवर दैट ऑटोमेटिक रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर 995 इट विल रिकॉर्ड एज अ क्रेडिट इन योर कैश बुक। तो डबल से डेबिट करेंगे, 195 का डबल 390, ये डबल से डेबिट हो गए कंप्लीट। इसको बैलेंस करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 12,350, 12,350 इसमें से 390 माइनस कर दें, 11,960 आपका आंसर हो जाएगा कैश बुक बैलेंस बिफोर करेक्शन जी।